नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भोपाल में बने देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। कहा, 6 साल पहले लोग भारतीय रेलवे को कोसते थे, आज रेलवे की तस्वीर बनी। आजादी के बाद आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में गर्जे पीएम मोदी। आदिवासी समुदाय के बारे में देश को अंधेरे में रखा गया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी। उपद्रवी भाजपा से जुड़े बताए जा रहे हैं। खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवरटाइम में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी समूह बोको हराम और ISIS से की है। जनजातीय गौरव दिवस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सरकार की आदिवासियों के लिए शुरू की गई 14 योजनाओं की शुरुआत की। राशन आपके द्वार और सिकल सेल मिशन की जमकर की तारीफ। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। केंद्र को NCR वाले राज्यों की बैठक बुलाने के लिए दिए निर्देश। कागजी रिपोर्ट की जगह जमीन पर किए जा रहे कामकाज को बताने की कही बात। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों के बीच JNU परिसर में विवाद। छात्र संघ सभागार में एक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हुआ था विवाद। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए हमला करने के आरोप। दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी। उत्तराखंड के चमोली में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू है। कहा, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है और जहां NDE है वहां भाजपा है, वहां मिशन है। दिल्ली में घटे कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए। इस दौरान 27 लोग हुए रिकवर, एक व्यक्ति की हुई कोरोना संक्रमण से मौत। केरल में सोमवार को भी जारी रहा भारी बारिश का दौर। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोट्टायम जिले हुए प्रभावित। वर्षा जनित हादसों में 3 लोगों की मौत। पठानथिट्टा जिले में भारी बारिश के बाद पंपा जाने वाली सड़क पर जलभराव। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में शरारती तत्वों ने महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। इस प्रतिमा को भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट किया था। भारतवंशी लोगों में नाराजगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दुख जताते हुए घटना को बेहद शर्मनाक बताया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सोमवार को 1240 किलो गांजा बरामद। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही। अब कंगना रनौत पर भड़का किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, 1947 में हमें जो आजादी मिली उसके लिए देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाया। कहा, देश की आजादी का श्रेय 2014 में बनी सरकार को कैसे दिया। दिल्ली में डेंगू का कहर। इस साल 5200 के पार हुए मामले। दिल्ली में 2015 के बाद इस साल सबसे ज्यादा डेंगू के केस। लखीमपुर हिंसा की जांच कर रही SIT पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। जांच टीम में लखीमपुर के अफसरों के होने पर उठाई आपत्ति। SIT को अपग्रेड करने की कही बात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। घर के खाने की नहीं मिली इजाजत। कोर्ट ने कहा, पहले जेल का खाना खाए। गुजरात में 600 करोड़ रुपए और 120 किलो हीरोइन जब्त। ATS ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। DGP आशीष भाटिया ने बताया, देवभूमि द्वारका जिले में सलाया के पास एक तटीय इलाके में हीरोइन को छिपा कर रखा गया था, फिर इसे मोरबी के जिंजुदा गांव लाया गया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का निधन। सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ पुणे में किया गया अंतिम संस्कार। सुबह पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में पुरंदरे ने ली आखिरी सांस। स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी में पिछली सीरीज के मुकाबले बिल्कुल नहीं है मजा। कहानी में ग्रिप नहीं होने से सीरीज में रोमांच नदारद। वेब दुनिया ने दिए 2 स्टार। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज। चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित फिल्म 21 जनवरी 2022 को होगी रिलीज। लोकप्रिय वेब सीरीज इनसाइड एज Season 3 के प्रीमियर की घोषणा। अमेजन प्राइम वीडियो पर 3 दिसंबर को 240 से अधिक देशों में होगा ग्लोबल प्रीमियर। यह थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webduniya.com।